अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है रोजे में और मेरे साथ हैं नन अदर देन मूसा हुसैन। और मूसा कह रहे थे कि हमने एडिटोरियल का क्या सीन है ब्रो? इश्क दा कलमा याद हुआ, फ्लाइट बहुत सस्ती हुई है, हमने जाना है कराची। फ्लाइट बहुत सस्ती हुई है, हमने जाना है और उसको कहना है। कैसे यार आप लोग? ठीक है, खुश हैं? और मेरे साथ है मूसा हुसैन और ये है क्या नाम है भैया आपका? आदिल बाजवा। और आगे हैं नन अदर देन कमल आफ्ताब और उबर ड्राइवर। ड्राइवर भाई क्या हाल है आपका? ठीक है भाई, आपका बिल बहुत ज्यादा। ये हमारे क्रीम के कैप्टन है, आपका बिल बहुत ज्यादा बन गया। इनके मामा का ख्वाब था कि ये कैप्टन बने किसी शिप के, ये क्रीम के कैप्टन बन गए। अच्छा, इनकी मामा का ख्वाब था ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन बने, ये क्रीम के कैप्टन बन गए। चलो कैप्टन यार, ऐसा तालियां तालियां। और हम जा रहे हैं अफ्तारी पे और अफ्तार वो गड्डी चला मामा यार। तो रोजा लग रहा है, कोई बात नहीं, दिल पे लग जाती है, कोई कुछ नहीं होता। तो अभी हम जा रहे हैं अफ्तारी पे और उधर जो है आज हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जिनको हम प्यार से आलू कहते हैं, जिनको हम जो घर के बाहर हैं तो दरवाजा नहीं खोलते, जिनको जिनको हम यार ये क्या स्टोरी है कि घर के बाहर हैं तो दरवाजा, भाई फोन बंद कर देते हैं, ये वो खुद बताएगा, फोन बंद कर दिया जाता है, जान बूझ के सो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें हम प्यार से आलू कहते हैं। और आज वो कहते हैं हम होटल में रहे, बाद में वो कहता है हम होटल में रहे, वो भी 16,000 रुपया दे के। सोचे ये बात करने वाली है और वॉलेट भी नहीं है आपके पास हैं, और 16,000 का रूम भी आपने ले लिया, कैसे? ये आपने बताना है सोच के सबने। ठीक है, तो अब हम जा रहे हैं अफ्तारी पे और आपको भी अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच के जो है अपडेट देंगे। पहले हम कुछ खरीदेंगे, पहली दफा नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी अफ्तारी है तो अच्छा नहीं लगता कोई चले, रसमलाई वगैरह ले जाएंगे अपने दोस्त के। क्या लेके जाएं? 2 किलो सेब ले जाए, 2 किलो सेब ले जाए, फ्रूट्स लेके जाते हैं, आप खाइए ने, फ्रूट्स लेके जाएंगे अब हम। और कवल आप आज अफ्तारी पे जा रही हैं तो क्या कहना चाहेंगी आप अफ्तारी के बारे में? पहले आपको क्या कहना चाहेंगी आप अफ्तारी से पहले? आपकी ईद होगी जब आप गुजरात पहुंचेंगी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद होगी, मैं जब गुजरात पहुंचूंगी मैं चांद को देखूंगी, मेरी ईद होगी। चांद तुम्हें देखेगा, चांद आपको देखेगा, चांद को देखेगी, मैं चांद को देखूंगी, चांद मुझे देखेगा। और गली में आज चांद निकला और इसी तरह दूसरों की तलब बढ़ती जाएगी। और इसी तरह से हमारे साथ कुछ बहुत ही प्यारे, बहुत ही दुलारे, अल्लाह अल्लाह मारे हमारा एक दोस्त बहुत प्यारा, दिल दे बैठा है, बहुत प्यारा दिल हारा, ऐसे देखो ऐसे ताड़ी गल हो रही है भैन, अभी की और चिंची वाले दल गल कर तो आगे से स्पीड आएगी, वहाँ से हम फ्रूट्स लेंगे। भाई तुसी पंजाबी जी गल क्यों करते हो यार? वो अच्छा कभी कभी अच्छा लगता है। तुम इधर से उर्दू बोलोगे? इधर से ही मैं उर्दू बोलूँ, मैं अब पंजाबी बोलूंगा। अब तुम उर्दू बोलो? ठीक है, अब मैं उर्दू बोलूँ, अब उर्दू बोलेगा, अब मैं सिर्फ उर्दू बोलूंगा, उर्दू 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 वाला एक्सेंट ही है मेरा, पंजाबी एक्सेंट। मैं यार तुम लोगों ने उर्दू का क्यों खराब कर, उर्दू को उर्दू एक नफीस जबान है। ये हमारा नफीस ड्राइवर नफीस है, गाड़ी आंदा चला नफीस साहब, नफीस रहमान नफीस साहब। आपने कहा था कि उर्दू में बात करेंगे, साथ ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। न्यूज कास्टर भाई क्या हाल है? आपको अहम खबर से आगाह करते, आपको अहम खबर से आगाह करते जाते हैं। आज अफ्तारी पे कोई खबर दे दो, पिछली दफा 1.5 लाख बंदा देख रहा है।
जब अपलोड होगा तब। बहुत कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह यार, आपको पता है। चल 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 जी, आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर से इस वक्त हम जहलम के रास्ते पे मौजूद हैं, जहां जेपी ने अफतारी का इहतमाम किया है। अफतारी में क्या क्या तैयार किया गया ये तो वहां जाकर ही मालूम होगा, और हमारे साथ बहुत से लोग भी मौजूद हैं जो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कमल आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। जी कमल, बताएं आपको क्या लगता है अफतारी के बारे में? अच्छा, ये रिपोर्टर का काम सही होता है, जब बात आगे ना आए साथ ही अगले पे डाल दो। कमल आफ्ताब बात मुझे ना, कमल आफ्ताब आप बताएं। ओए इधर रुको, इधर रुको, इधर सेब 40 रुपए किलो। ये नहीं, इधर रुको, इधर रुको, गुजरात से लेंगे, गुजरात से लेंगे। हां ठीक, उधर मैंने सुना 30 के मिल रहे हैं, उधर सुना 30 रुपए किलो, 20 रुपए के लेंगे हम। जेबी ने कहा यार अफतारी पे आ रहे हो, फ्रूट्स लेते हैं ना, फ्रूट चाट के लिए। गिफ्ट का कोई मोल नहीं होता, ऐसे बंदा दे ही ना। कोई मोल नहीं यार, है, सोच सोच के तुझे गिफ्ट नहीं देते। मोल होता है इश्क का, मोहब्बत का। हाय 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 हाय, इश्क का भी मोल। यार ये बातें नहीं करनी कमल, आपने ये बातें नहीं करनी। हमारा एक हमारा ये बातें नहीं करनी, मेरे 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 व्लॉग के तवस्सुल से आपको ये बात बताते चलें कि हमारा एक दोस्त प्यार में गिरफ्तार है, चुप कर, और जिसकी हथकड़ियाँ यहाँ पे नहीं है। कर दू आगे, आप समझदार है। तभी हम जा रहे हैं रास्ते में, दिल बहुत खराब हो रहा था, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर दूं, हो सकता है दिल ठीक हो। आपका भी खराब करो दे। तो अब हम जा रहे हैं, तो आगे जाके मिलते हैं आपसे। तो हम पहुंच चुके हैं वजीराबाद, और यहाँ से हम लेने लगे हैं मिठाई। और मिठाई हम क्यों ले रहे हैं, मिठाई हम क्यों ले रहे हैं ये आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ओ भाईजान, आपने अगर मेरे ब्लॉग के अंदर अपना ब्लॉग घुसाया ना। गाइस, मैंने सिर्फ 4 ब्लॉग अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, और मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली है। अभी मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैंने जो है वो ब्लॉग अपलोड कर करके जो है यूट्यूब से पैसे कमा के अपनी मेहनत से ये गाड़ी खरीद ली है। अब इंशाल्लाह मैं और मेहनत करूँगा और एक बड़ी गाड़ी की तरफ जाऊँगा, जो क्योंकि ये टीवी तो आप सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगा अपने पेरेंट्स का, उसके बाद सारी आवाम का जो मेरे ब्लॉग्स देखती है। आप काइंडली मेरे ब्लॉग्स देखा करें ताकि मैं और मेहनत करूं और पैसे कमाऊं और इससे बड़ी गाड़ी खरीदूं, ठीक है? क्या हो गया भाई, मैंने गाड़ी खरीद ली है यार। 4 ब्लॉग अपलोड किए थे, इतने पैसे है, मैंने गाड़ी खरीदी। अब देखे 4 ब्लॉग अपलोड करके ये मैंने खरीदी है, तो सोचें ये मैं कब खरीदूंगा, ये आपने मुझे बताना है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ये गाड़ी खरीद सकूं। बहुत बहुत मुबारक हो यार मूसा, माशाल्लाह से आप स्पॉटेज में बैठ के भी उबर वाले लग रहे हैं। चलानी आती है तुम्हें? ले वाले मेरी ड्राइविंग नहीं देखी, मैं साइकिल हाथ छड़ के चला लेना। तो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं जेलम, जहाँ पे हमारी अफतारी है, और मेरे साथ हैं शेख दी ग्रेट, और शेख ने अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, सब्सक्राइब करें। तुम थोड़ा सा साइड पे बैठ रहे हो। उसके बाद है अब्रार, जो के बहुत बदतमीज है यार, तो यार गड्डी च बह गए, बहा लेता तेन तो तंग ही करी जा रहे। और यार फाइनली आपको मैं खुशखबरी देना चाह रहा था कि मैंने हो गया ब्लॉग अपलोड कर करके जो है वो किया स्पॉटेज खरीद ली। किया स्पॉटेज खरीद ली है, और मुबारकबाद दें प्लीज मुझे। और आज यार आप कौन है यार, ये कौन लोग आ जाते हैं यार ब्लॉग में? वाह मैं अच्छा आ रहा हूं। अपने गंदे से कैरेक्टर बना शेख स्नैपचैट से ब्लॉगिंग कर भाई, ये नजर चेक करें शेख स्नैपचैट से। स्नैपचैट से यार एक दिन अपना सर मैंने भी देते हैं यार। और ओ माय गॉड, वाओ मजे की गाड़ी भी है, और कपल आगे बैठ गई है, और ये देखे भाई जान, ऐसे कैमरे को ऊपर करो, छत से आसमान नजर आ।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ ਕੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਰ ਓਏ ਯਾਰ ਬ੍ਰਾਰ ਬ੍ਰਾਰ ਕੀ ਬ੍ਰਾਰ ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਬ੍ਰਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸ਼ੇਖ ਬੜੀ ਕਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। मैं गलत बोल रहा थी और एक मिनट मैं गलत बोल रहा थी। तो फाइनली फाइनली हम पहुंच चुके हैं देवी के घर और देवी भाई भी खड़ा हुआ है। वाओ सब कुछ रेडी है, प्लेट्स भी रेडी हैं और हम भी रेडी हैं और मैं बैठूंगा यहाँ पे इस जगह पे। मैं बैठूंगा यहाँ पे ये देखिए क्योंकि यहाँ पे बैठेंगे ना जी। आपको हम खबर से आगाह करते चले कि इस वक्त हम जेलम में मौजूद हैं जहां जेबी ने इफ्तारी का एहतमाम किया, मुख्तलिफ पकवान बनाए, इफ्तारी में मुख्तलिफ मारूफ टिकटॉकर्स ने भी शिरकत की और खूब एंजॉय किया। मौसम की बात करें तो जेलम का मौसम भी बहुत जबरदस्त है, बारिश होती रही सुबह से, मौसम और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहा और यार थोड़ा सा कराची के बारे में जरा बताइएगा हमें। थोड़ा कराची की बात करें तो मूसा की जानिब से कहा गया है एक रोजा अफ्तार जो है वो कराची में किया जाएगा क्योंकि मूसा चाहता है कि ईद से पहले ईद का समा हो जाए और मूसा का ईद का समा कोई सा भी रोजा हो अफ्तार होना चाहिए अलग से। तो कराची में करेंगे अफ्तार इंशाल्लाह हो सका आखिरी अशरे में अगले साल। जी मूसा हमें अपडेट अफ्तारी कर ली है और अब जबरदस्ती हमें रोक लिया गया है कि सैरी करके जानी है। तो थैंक यू बेबी आप आए और आपने मेरा जाना हम आए और आपने हमें अफ्तारी करवाई, थैंक यू सो मच। और हमने अफ्तारी कर ली है और अब हम यहाँ पे रुके हुए हैं स्पेशली जेबी के आइसक्रीम खाने के लिए। जेबी के अबू ने स्पेशली रोका है कि यार सैरी करके जानी है। तो आपकी कूड़े वाली गाड़ी को बंदे छेड़ रहे हैं आज। तो कूड़ा आप ही आ गया ना, कूड़ा आप ही तो अब हम सैरी करेंगे और उससे पहले मैकडोनल्ड की आइसक्रीम भी खिलाई है देवी ने। मैं कहता हूँ 2 साल हो गए हैं देवी से मिले हुए, आज पहली दफा देवी से झेलम आए हो, झेलम आए हो, दूसरी दफा आए, झेलम आए, दूसरी दफा आए, दूसरी दफा आए, पहली दफा नहीं आपकी। वो बारबेक्यू पे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, दोबारा सैरी के टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा टाटा।